तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक चर्च को जहाँ पर चीजों पर थोड़ा थोड़ा ब्लड लगा हुआ था। तभी वहाँ के चर्च के डोर्स एक आंधी से अपने आप ही ओपन हो जाते हैं और चर्च में जीसस क्राइस्ट की मूर्ति की आंखें अपने आप ही खराब हो जाती है जो वहाँ पर किसी बुरी चीज को देख रहे होते हैं। अब हम फादर जोसेफ डायर को देखते हैं और साथ ही साथ हम अगले सीन में लेफ्टिनेंट विलियम किंडरमैन को भी देखते हैं जो फादर डेमियन की फोटो को देख रहे थे। फादर डेमियन और लेफ्टिनेंट विलियम एक समय पर बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे और जब फादर डेमियन की डेथ रीगन को बचाने के चक्कर में हो गई थी तब से लेफ्टिनेंट विलियम को उनकी बहुत याद आती है। उस हादसे को अब 15 साल बीत चुके थे। अब हम एक आदमी की वॉइस ओवर को सुनते हैं कि उसको सपने आते हैं जिसके अंदर एक ब्लैक लड़का उनको गुलाब देता है और साथ ही वो खुद को सीढ़ियों से गिरता हुआ भी देखता है सपने में। अब हम एक रिवर के साइड में पुलिस को देखते हैं जहाँ पर हुए एक मर्डर को वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। वहाँ पर एक बच्चे का बहुत बुरी तरह से मर्डर किया गया था जिसके सिर को काट कर वहाँ पर जीसस के ब्लैक फेस को लगाया गया था। साथ ही साथ उसके हाथ की एक उंगली भी गायब थी और हाथ के हथेली पर कोई निशान गुदा हुआ था। अब हम देखते हैं फादर डायर को जो चर्च में होते हैं जहाँ पर वो एक लड़के से बात कर रहे थे और वो वहाँ पर फादर डेमियन की डेथ के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे वो 15 साल पहले मारे गए थे। अब लेफ्टिनेंट विलियम पुलिस हेडक्वार्टर्स में रिसेंट में हुए मर्डर्स को डिस्कस कर रहे थे। वो वहाँ पर बॉडी के ऊपर मिले निशानों को और बॉडी पार्ट्स को जैसा काटा हुआ है उस पर वो 15 साल पहले होने वाले मर्डर्स को याद करते हैं जो कि एक किलर ने किए थे जिसको सब जेमिनी किलर कहते थे। फादर डायर अब लेफ्टिनेंट विलियम से मिलने आते हैं और वो दोनों साथ में मूवी देखने जाते हैं। विलियम हर साल इस दिन उदास हो जाता था क्योंकि वो हमेशा फादर डेमियन के साथ ही मूवी देखने जाया करता था और फादर डेमियन की डेथ का उनको आज तक दुख भी था। फादर डायर विलियम के दुख को समझते थे और वो अब विलियम के साथ में मूवी देखने जाते हैं ताकि वो दुखी ना हो। फादर डायर और विलियम एक बेस्ट फ्रेंड की तरह अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे। फादर डायर और विलियम कॉफी पीते हुए बात कर रहे होते हैं जहाँ पर फादर डायर विलियम से मर्डर के बारे में पूछते हैं जो कि रिसेंटली हुआ था। विलियम बताते हैं कि मारा गया बच्चा पुलिस बॉयज क्लब का मेंबर था और वो 12 साल का था। मर्डरर ने उसका सिर काट दिया था, उसकी आंखें में कील घुसा दी थी और उसके सर की जगह जीसस क्राइस्ट का सर लगा दिया था जिसकी आंखें और मुंह वाइट थी, बाकी पूरा चेहरा काला रंगा हुआ था। ये सब सुनकर फादर डायर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब हम देखते हैं फादर को जो चर्च में किसी का कन्फेशन ले रहे होते हैं और वो कन्फेशन देने वाली एक लेडी होती है जो अपना कन्फेशन बोलना शुरू करती है। वो बोलती है कि वो बहुत परेशान है और बताना चाहती कि उसको बहुत खुशी हुई थी जब उसने एक लड़की को मार डाला था और बड़ी बेरहमी से उसका खून बहाया था। ये बोलते हुए उस लेडी की आवाज़ धीरे धीरे मेल डिमोनिक होती जा रही थी। फादर ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और डर जाते हैं और तभी कन्फेशन बॉक्स के बाहर से वो लेडी उन पर अटैक कर देती है। अब चर्च में विलियम को दिखाया जाता है जो फादर के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने आए थे। वहाँ पर उनको पता चलता है कि ये मर्डर भी लास्ट हुए बच्चे के मर्डर से पूरी तरह मैच करता है। विलियम कन्फेशन बॉक्स को चेक कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उनका असिस्टेंट सार्जन एटकिंस आ जाता है जो कि उनको ये बताता है कि बच्चों को मारने के लिए एक ड्रग का इस्तेमाल किया गया था जिसे कि वो बच्चे अनकॉन्शियस हो गए थे। वो आगे ये बताता है कि मर्डरर ने उस बच्चे को वो ड्रग दिया और फिर उसको काटा। ड्रग की वजह से वो बच्चा अपना शरीर हिला नहीं पा रहा था लेकिन वो दर्द को महसूस कर सकता था। अब यहाँ पर विलियम हॉस्पिटल में फादर डायर से मिलने आए हुए थे। फादर डायर थोड़े से बीमार थे और वो हॉस्पिटल में न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। विलियम वहाँ पर आते हैं और वो लोग आपस में नोकझोंक वाला मजाक करने लगते हैं। अब विलियम वहाँ से घर चले जाते हैं। रात में उनको एक सपना आता है जहाँ पर वो खुद को हेवन में पाते हैं। अब उन्हें वहाँ पर कुछ दिन पहले मरा हुआ एक बच्चा भी मिलता है। कुछ आगे जाने पर विलियम को फादर डायर मिलते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि क्या वो दोनों एक ही सपना देख रहे हैं, जिस पर फादर डायर बोलते हैं कि ये सपना नहीं है। और हम ये देखते हैं कि हॉस्पिटल में फादर डायर की हालत खराब होने लगी थी। अब हम विलियम को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां पर अब फादर डायर की डेथ हो चुकी थी। मतलब अभी थोड़ी देर पहले तो वो बिल्कुल ठीक थे और अचानक से ही उनकी मौत हो गई। फादर डायर की डेथ से विलियम को बहुत ही ज्यादा दुख होता है क्योंकि वो अपने सेकेंड बेस्ट फ्रेंड को भी खो चुके थे। वहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स ये बताते हैं कि फादर डायर की डेथ भी उसी तरह से हुई है जिस तरह से रीसेंट मर्डर्स हो रहे हैं। इन्वेस्टिगेटर्स आगे ये बताते हैं कि फादर डायर के सारे ब्लड को निकाल लिया गया था और दीवार पर एक मैसेज लिखा गया था, लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि खून की एक भी बूंद कहीं और नहीं गिरी थी। और यहाँ पर मैसेज था कि इट्स अ वंडरफुल लाइफ। और यहाँ पर ये जो मैसेज था वो विलियम के लिए था क्योंकि फादर डायर और विलियम यही मूवी देखने गए थे। अब विलियम हॉस्पिटल में पुलिस स्टाफ को एक्टिव कर देते हैं कि कोई भी अननोन पर्सन अंदर ना आए और ना ही कोई बाहर जाए।
अब विलियम हॉस्पिटल की एक नर्स से पूछताछ करते हैं। वो उनको बताती है कि वो 5 बजे दवाई देने गई थी तब फादर डायर बिल्कुल ठीक थे, लेकिन 6 बजे जब वो दोबारा दवाई देने गई तब तक फादर डायर की डेथ हो गई थी। वो विलियम को ये भी बताती है कि उन्होंने हॉस्पिटल में घूमते हुए मिसेस क्लेलिया को देखा था। विलियम अब मिसेस क्लेलिया से पूछताछ करने जाते हैं, जहां पर उनको मिसेस क्लेलिया जो कि एक मेंटल पेशेंट थी वो ये बताती है कि उनका रेडियो खराब हो गया है और उसमें से मरे हुए लोग बात करते हैं। विलियम मिसेस क्लेलिया से बात करके वापस आते हैं और डॉक्टर टेम्पल उनको एक स्पेशल वार्ड के बारे में बताते हैं जो कि हमेशा लॉक्ड ही रहता था। विलियम डॉक्टर टेम्पल के साथ उस वार्ड के अंदर जाते हैं जहां पर बहुत सारे लॉक्ड रूम्स होते हैं। वहां पर उनको एक रूम मिलता है जिसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ था और विलियम उसको देखते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। विलियम अब उस रूम के अंदर उस आदमी को देखते हैं जिसका फेस क्लियर नहीं दिखाई देता और वो डेथ के बारे में बात कर रहा था। वो बोलता है कि उसको अभी बहुत से लोगों को पजुजू के पास पहुंचाना है। साथ ही वो 21 साल का था जब उसकी डेथ हुई थी। अब हम विलियम को अपने स्टाफ के साथ हॉस्पिटल के एक केबिन में देखते हैं, जहां हॉस्पिटल का हेड विलियम को और उनके स्टाफ को ये बोल रहा था कि वो लोग हॉस्पिटल में ऐसे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। विलियम वहां पर ये बोलते हैं कि उन लोगों को जेमिनी किलर याद है क्या, जिस पर डॉक्टर टेम्पल हाँ कर देते हैं। विलियम बोलते हैं कि 15 साल पहले जब जेमिनी किलर्स मर्डर्स किया करता था तब प्रेस में उसके मर्डर्स की एक स्टोरी बताई जाती थी जो कि झूठ थी। असल में जेमिनी किलर के मर्डर करने का सही तरीका कभी किसी को बताया ही नहीं गया था और रिसेंट में जो मर्डर्स हो रहे हैं वो पूरी तरह जेमिनी किलर के मर्डर से सिमिलर है। और विलियम को ये लगता है कि रिसेंटली हो रहे मर्डर्स जेमिनी किलर ने ही किए हैं। बट यहाँ पर डाउट ये था कि हर बार अलग अलग फिंगरप्रिंट्स उनको मिल रहे थे, लाइक किसी एक इंसान पर शक करना काफी मुश्किल था। अब हम विलियम को चर्च में देखते हैं जहाँ पर वो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट से बात कर रहे थे। उनके पास हम एक प्रीस्ट की मूर्ति को भी नोटिस करते हैं। विलियम और प्रेसिडेंट इन मर्डर्स के लिंक को डिस्कस कर रहे थे, जहां पर प्रेसिडेंट ये बोलते हैं कि हो सकता है कि ये मर्डर्स फादर डायर या फिर किसी और फादर या फिर किसी तरह की एक्सोसिज्म से लिंक हो सकते हैं, क्योंकि पास्ट में दोनों ने ही एक्सोसिज्म किया हुआ है। इन दोनों का ही लिंक और एक्सोसिज्म का लिंक फादर डेमियन से भी था और अब विलियम उसके बारे में सोचने लगते हैं। विलियम चर्च के बाहर घूमने जाते हैं जहां पर एलिस नाम की एक लड़की दिखाई देती है और इस वक्त पर हम पास वाली प्रीस्ट की मूर्ति को डीमन की मूर्ति की तरह देखते हैं। अब वापस से प्रेसिडेंट और विलियम आपस में बात करते हैं और प्रेसिडेंट इस बार फादर मॉर्निंग का जिक्र करते हैं जो प्रीस्ट की हो रही डेथ से कनेक्टेड हो सकता है, क्योंकि उन्होंने भी पास्ट में एक्सोसिज्म किया था जिससे उनके बाल एक ही रात में वाइट हो गए थे। खैर तभी हमको फादर मॉर्निंग को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठे हुए थे और उनकी पेट बर्ड मर चुकी थी। फादर मॉर्निंग के रूम का होली क्रॉस भी जमीन पर गिर जाता है जिस पर थोड़ा थोड़ा ब्लड लगा हुआ था। अब अगले सीन में हम देखते हैं विलियम को, जिसको ये पता चलता है कि मिसेस क्लेलिया के फिंगरप्रिंट फादर डायर के रूम में मिले फिंगरप्रिंट से मैच हो रहे थे। विलियम मिसेस क्लेलिया से बात करने जाता है बट उनको कुछ खास नहीं पता चलता क्योंकि मिसेस क्लेलिया बिना मतलब के ही बातें कर रही थी। अब हम डॉक्टर टेम्पल को देखते हैं जो कि अपने रूम में एक पेपर पर लिखे हुए बात को याद कर रहे थे और तभी विलियम वहां पर आ जाता है और डॉक्टर वो पेपर छुपा देते हैं। डॉक्टर विलियम को ये बताते हैं कि उन्होंने 15 साल पहले कहीं पर घूमते हुए एक आदमी को पकड़ा था जो कि खुद को जेमिनी किलर कह रहा था। अब विलियम को ये चीज कहीं ना कहीं फादर डेमियन की तरह लग रही थी। वो एडकिंस को फादर डेमियन के सारे डॉक्यूमेंट चेक करने की बात करता है और कहीं से भी उनके DNA सैंपल्स लाने को बोलता है। विलियम अब उस रूम में जाते हैं जहां पर वो आदमी बंद था। वहां पर वो उस आदमी को देखते हैं जो कि पूरी तरह शॉकिंगली फादर डेमियन की तरह दिख रहा था। जो इंसान कई सालों पहले मर चुका था वो यहाँ पर जिंदा उनके सामने कैसे खड़ा था। खैर अभी इस चीज को लेकर वो पूरी तरह श्योर नहीं थे, लेकिन एज अ व्यूअर हम इस चीज को कंफर्म कर पाते हैं। खैर विलियम उस आदमी से बात करने लगता है। वो आदमी खुद को जेमिनी किलर बोल रहा था और वो बताता है कि उसको अच्छा लगता है लोगों को मारना, क्योंकि उसका दोस्त जो दूसरी तरफ है यानी कि हेल और डेमोनिक वर्ल्ड में। अब इस बात को काटते हुए उससे विलियम उसके दोस्त के बारे में पूछता है, जिसके बारे में वो ये कहता है कि वो नहीं बता सकता, लेकिन वो अच्छे लोगों को मारता रहेगा और वो उसको मास्टर कहकर बुलाता है। अब अचानक से ही हम डेमियन की जगह वेनमन जेम्स को देखते हैं जो कि असल में रियल जेमिनी किलर था, बट विलियम को डेमियन ही दिखाई देता है। वो विलियम से बोलता है कि उसको प्रेस को बताना होगा कि जेमिनी किलर वापस आ गया है और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसको इसकी सजा भोगनी होगी। विलियम सजा के बारे में पूछता है और वो कहता है कि उसको डांस पसंद है। अब वो जेमिनी के लिए और ये बताता है कि सबसे पहले वो अपने विक्टिम्स को एक इंजेक्शन देता है और फिर एक ट्यूब से उनका खून निकाल लेता है, फिर वो उनका सर काटता है। विलियम को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो उसको पंच करके बाहर चले आते हैं।
अब विलियम के हाथ की ड्रेसिंग करते हुए नर्स ये बोलती है कि उस आदमी की नाक पिछले एक हफ्ते से लगभग डेली टूटी हुई मिलती है और कभी कभी वो आदमी एक डिसेंट और मासूम आवाज में कुछ बातें बोलता है, जैसे कि अपने सेवक को बचाओ। विलियम को ये वर्सेस सुने हुए लगते हैं और वो चर्च में होली बाइबल पढ़ने जाता है, जहाँ पर वो बाइबल में राइट ऑफ एक्सोसिज्म पढ़ते हैं, जहाँ पर वो वर्सेस लिखे हुए थे। दूसरी ओर हम फादर मॉर्निंग को देखते हैं जो चर्च में प्रेयर्स कर रहे थे। वहीं विलियम को कुछ चीजें समझ में नहीं आती और वो घर पर बाइबल पढ़ने लगते हैं। अब हम रात के समय हॉस्पिटल को देखते हैं, जहाँ पर कोई भी नहीं था और एक नर्स वहाँ पर सुपरविजन के लिए थी। वो एक पेशेंट को सुलाकर बाहर आती है और तभी एक आदमी उस पर हमला करके उसको मार डालता है। साथ ही नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर टेम्पल ने भी सुसाइड कर लिया था। विलियम उन दोनों के मर्डर्स को चेक करते हैं और फिर वो जेमिनी किलर से बात करने जाते हैं। जेमिनी किलर उनको ये बताता है कि वो 15 साल पहले शॉक चेयर पर मारा गया था, बट उसकी सोल हेल में नहीं गई और वो इसी वर्ल्ड में फंस गई। एंड जो उसका दोस्त था यानी कि शैतान, वो ये चाहता था कि वो आगे अपना काम करता रहे। और तभी डेमियन ने एक्सोसिज्म से रीगन को आज़ाद कर दिया, जो शैतान को पसंद नहीं आया, यानी कि पजुजू डीमन को। और पजुजू ने डेमियन की बॉडी में वेनेमन जेम्स की सोल को डाल दिया और वो कॉफिन से बाहर आ गया, यानी कि डेमियन के फ्यूनरल के बाद में। डेमियन की सोल भी उसकी बॉडी में थी बट वो ट्रैप हो गई थी। तो बेसिकली यहाँ पर जो सीन चल रहा है वो ये है कि फादर डेमियन के अंदर वेनेमन जेम्स की भी सोल है। अब 15 साल तक जेमिनी किलर ने उसकी बॉडी को ठीक किया ताकि वो अपना काम कर सके और डॉक्टर टेम्पल ने उसकी मदद करी, यानी कि पजुजू की मदद से इस जेमिनी किलर यानी कि वेनेमन जेम्स की सोल वो अलग अलग लोगों को पजेस कर सकती थी। और आपको याद होगा कि हर विक्टिम के पास में अलग अलग फिंगरप्रिंट्स मिला करते थे, तो ये वेनेमन जेम्स की जो स्पिरिट थी वो अलग अलग लोगों को पजेस कर रही थी और उसके हिसाब से ही वो किलिंग कर रही थी। अब आपको याद होगा कि एक लेडी फादर के पास में कन्फेशन के लिए आई थी, तो उसके अंदर वेनेमन जेम्स की ही स्पिरिट थी। अब वेनेमन जेम्स फिर से विलियम को बोलता है कि उसको प्रेस को ये बताना होगा कि जेमिनी किलर वापस आ गया है, नहीं तो विलियम को सजा भोगनी पड़ेगी। अब विलियम बाकी पेशेंट्स के पास में जाते हैं ये पता करने कि वेनेमन की मदद करने वाला और कौन है। और तभी हम देख पाते हैं कि मिसेस क्लेलिया सीलिंग पर चल रही होती है। अब विलियम को एक नर्स की नेकेड बॉडी मिलती है और हम एक दूसरी ओल्ड पेशेंट को भी उस नर्स की ड्रेस पहनकर कहीं जाता हुआ देखते हैं। विलियम एडगिंस के साथ उस ओल्ड लेडी को ढूंढने लगते हैं और वो एक रूम में जाते हैं जहां पर नर्स एक बच्चे को दवाई दे रही थी। अब इस नर्स के नाम से विलियम को अपनी बेटी की याद आती है, जिसका नाम भी सेम था और वो एक डांसर थी। विलियम अब घर पर कॉल करते हैं बट उनका कॉल नहीं लगता। दूसरी ओर घर पर कॉल आती है, जहाँ पर विलियम की आवाज़ में बोला जाता है कि एक नर्स कुछ सामान लेकर आ रही है। विलियम अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं और घर जाकर वो सब कुछ नॉर्मल पाते हैं, बट तभी वो नर्स जेमिनी किलर की आवाज़ में बोलती है कि वो विलियम के सामने ही उसके परिवार को मारना चाहता था। और तभी वो उस नर्स पर अटैक कर देता है, बट वो नर्स समहाउ बच जाती है। वो लेडी अब विलियम पर अटैक करती है बट अब वो कमज़ोर होकर नीचे गिर जाती है। वहीं हम हॉस्पिटल में फादर मॉर्निंग को देखते हैं जो जेमिनी किलर के पास में आए हुए थे और अब वो उस पर एक्सोसिज्म करने लगते हैं। उनको पता चल गया था कि यहाँ पजुजू डीमन है। उनके आसपास बहुत से स्नेक्स आ जाते हैं और आग लगने लगती है, बट यहाँ पर फादर का फेथ ज़रा सा भी नहीं डगमगाता। लेकिन तभी यहाँ पर पजुजू फादर मॉर्निंग की बाइबल में आग लगा देता है और फादर को ऊपर सीलिंग पर लेविटेट कर देता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं, लेकिन उनकी बैक की स्किन और हाथ टूट जाते हैं। तभी वहाँ पर विलियम आ जाता है जो कि जली हुई बाइबल को देखते हैं। विलियम जेमिनी किलर को शूट ही करने वाला होता है बट वो उनको भी दीवार पर चिपका देता है और वो उनसे ये बोलता है कि वो किस पर भरोसा करते हैं। विलियम ये बोलते हैं कि वो बुराई, भुखमरी, करप्शन और हर बुरी चीज़ पर भरोसा करते हैं। तभी वहाँ पर बिजली चमकने लगती है और ज़मीन के अंदर से उस बच्चे की डेड बॉडी, जिसका नाम थॉमस कंट्री था, बहुत से शैतानों के साथ बाहर आता है। और ये वही बच्चा है जो कि सबसे पहले मूवी के अंदर मारा गया था, यानी कि जेमिनी किलर के सक्रिय होने के बाद में ये उसका पहला विक्टिम था। अब तभी साथ ही साथ हम यहाँ पर डेमियन को भी क्रूसिफिक्स पर देखते हैं। ये दोनों चीज़ों को कमज़ोर करने के लिए थी, क्योंकि वो बच्चा पुलिस ग्रुप में से एक था और डेमियन उसके काफ़ी करीब, तो उसका फेथ तोड़ने के लिए ऐसा दृश्य पजुजू ने उसको दिखाया था। यहाँ पर अगर बात करें तो डेमियन की बॉडी के अंदर तीन स्पिरिट थे, एक डेमियन की खुद की, दूसरी जेमिनी किलर की और तीसरी यानी कि पजुजू की। यहाँ पर ऐसा लगता है कि पजुजू ने डेमियन को मरने से बचा लिया था, यानी कि पार्ट वन के एंड में। और जब सब लोगों को लगा कि वो मर गया है
तो उसकी बॉडी का इस्तेमाल करके उसने जेमिनी किलर की स्पिरिट को उसके अंदर डाल दिया। स्लोली स्लोली वो रिकवर हुआ और फिर से किलिंग शुरू करी। अब जेमिनी किलर विलियम को मारने ही वाला होता है, बट फादर मॉर्निंग होली क्रॉस से जेमिनी किलर को दिखाते हुए बोलते हैं, डेमियन तुम खुद को वापस ला सकते हो और तुम ही सब कुछ ठीक करोगे। तभी अचानक से ही डेमियन अपनी बॉडी पर कंट्रोल पाता है और विलियम से ये बोलता है कि वो उसको शूट कर दे, और तभी विलियम डेमियन को शूट कर देता है जिससे जेमिनी किलर और डेमियन दोनों मारे जाते हैं। साथ ही साथ फादर मॉर्निंग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, तो वो भी अपना दम तोड़ देते हैं। यानी कि जब कई साल पहले डेमियन ने अपने अंदर पजुजू डीमन को इनवाइट किया था तो वो विंडो से सबको बचाने के लिए कूद गए थे, लेकिन तभी वहां पर आसपास में वेनेमन जेम्स की स्पिरिट होगी और पजुजू ने उनको पनिशमेंट देने के लिए उसकी सोल को डेमियन के अंदर डाल दिया, ताकि डेमियन कभी भी हीरो की तरह किसी को भी ना दिखे और सबको ये लगे कि ये सारे के सारे किलिंग्स डेमियन ने ही करी है। हर मूवी के एंड सीन में विलियम और एडकिंस डेमियन के फ्यूनरल को करते हुए उसकी बॉडी को अच्छे से चर्च में बरी करवा देते हैं, जहाँ पर उनकी डेथ डेट लिखी हुई थी 1975, और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।